हाय, वेलकम टू आवर चैनल राइट वे रूमी में। जहाँ तक सिलीगुड़ी शहर का बात करें तो अभी ऐसा हाल है कि आदमियों से ज़्यादा ऑटो और टोटो रास्ते पर दिखाई पड़ता है। आज का डेट में एवरीडे सिलीगुड़ी और इसके आसपास इलाकों में लगभग 8,000 टू 5,000 अबव ऑटो और टोटो चलता है अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों, ड्राइवर, ये ड्राइवर नाम सुनने से हम सब इनको इग्नोर करते हैं। हमारे सोसाइटी में ड्राइवर लोगों को हम सब एक नेगेटिव नज़र से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये वीडियो पूरा देखने के बाद हमारे जितने भी ऑटो टोटो ड्राइवर भाई लोग हैं, उन सबको आप लोग एक थोड़ा सा ही सही एक रिस्पेक्ट नज़र से आप देखेंगे। सच में हमें बहुत अच्छा लगा एक ऐसे इंसान से मिलकर जो इंडियन आर्मी का रिटायर्ड पर्सन है। इनका नाम है मिस्टर सुजीत सुब्बा। ये सर सुकना टू कोटमोर रूट में अपना ऑटो चलाते हैं। इस ऑटो में यात्रियों के लिए जो सुविधा उन्होंने रखा है, ये काफी यूनिक है। तो फिर चलिए मिलते हैं उनसे। दिस इज द चॉकलेट। ओके, हजमोला है। और ये क्या है दादा? ये क्या है? डस्टबिन है, स्मॉल डस्टबिन। ओके, डस्टबिन है। ओके, दिस वेरी नाइस वन। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है। बोलना क्या है ये सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। अरे वाह, वेरी नाइस कोटेशन। ये है 4 पैसेंजर्स। और ये देखिए, बिस्लेरी वाटर भी है 4 पैसेंजर्स। देखे हुए बिस्लेरी। ओके, दिस इज एक्वा सिटी। ओके, दिस इज एक्वा वाटर 4 पैसेंजर्स। एंड यहाँ पे क्या लिखे, व्हेन यू आर हैप्पी यू एंजॉय द म्यूजिक, व्हेन यू आर सैड यू अंडरस्टैंड द लिरिक्स। अरे वाह, इट्स वेरी नाइस। गूगल पे भी है। यहाँ पे पैसेंजर के लिए? जी मैम, ये इनके लिए है पानी बोतल पैसेंजर। और ये डिजिटल पेमेंट है, ताकि इससे क्या होगा कि वेस्ट हो जाता है। तो डिजिटल पेमेंट करने से बहुत बढ़िया है पैसेंजर्स के लिए भी और ट्रैफिक के लिए भी, जिससे कि ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो डिजिटल पेमेंट कर दिया, आपने स्थान पर रोक दिया और चल दिया। उससे क्या, चंद सेकेंड ही लगेंगे। और डस्टबिन रखा हो ताकि आप लोग क्या है खा के रास्ते में फेंक दे। र मेरो जुन भ्युवर्सहरू छ र पेसेन्जर्सहरू छ, उनीहरूले यदि धेरै माया दिएकोमा धेरै मतलब हृदयबाट म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको यति साह्रो माया पाएर र मलाई जुन उहाँले एप्रिसिएट दिनुभयो, जुन उहाँको माया मैले पाएँ, त्यसको लागि म धेरै कोटि हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, अच्छा सर, यो तपाईँको बारेमा हामीलाई डिटेल्समा, मतलब आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हमें बताइए कि हमारे जो व्यूअर हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका मतलब आप क्या, मतलब आपका जो शुरुआती जो आप इनिशियली से आप मतलब स्टार्टिंग से हमें बताइए आपके बारे में। आपका पहले तो नाम बताइए सर। सुकना निवासी सन ऑफ धर्मबहादुर सुब्बा। मेरे पिताजी का नाम डीबी सुब्बा जी, जो आर्मी में कार्यरत थे जी। उसके बाद अभी तो डेथ हो गया है उनका। ओके, उसके बाद मैं 24 साल आर्मी में नौकरी किया। अच्छा, कौन सा, मतलब इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी में थे। इंडियन आर्मी? ओके, इंडियन आर्मी में था तो मैं 2019 को रिटायर में गया। 2019 में आप रिटायर? जी, 2019 को रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट होते ही मैंने 2 ऑटो खरीदा था। जो 2 ऑटो में से एक ऑटो मेरा ड्राइवर चलाता, एक मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ। आपके पास 2 ऑटो है? जी, और एक ड्राइवर रन करता और एक आप रन करते? मैं खुद। ओके, आप खुद ड्राइव करते हो? जी। अच्छा, ओके। तो आपका मतलब फैमिली में और कौन कौन है? मेरे फैमिली में मेरा एक पत्नी है, उसके बाद एक लड़का है। अच्छा अच्छा अच्छा
बहुत आपका मतलब ये जो ये यहाँ से यहाँ पे आप कितने दिन से रह रहे हैं? यहाँ पर तकरीबन मेरे को 25-30 साल हो गया सुकना में रहते हुए। अच्छा मतलब यहाँ यही नहीं, पैदाइश तो मेरा दार्जिलिंग का है। अच्छा पैदाइश ही वहाँ पे दार्जिलिंग में सिंहबाड़ी बड़ा पता करके गांव है जी, जी बगान एरिया है जी, जी वहाँ मैं पैदा हुआ। ओके वहाँ पे पैदल फिर आप आर्मी में थे उसके बाद यहाँ पे सेटल आप जी? पिताजी बाद में जब पिताजी का जॉब इधर हुआ तो उसके बाद फिर यहाँ सुकना पे हम लोग सेटल हुए। ओके सर ये बताइए ना कि ये जो आज ये यूनिक जो आपने जो आइडिया यू नो आपने शुरू किया ये आइडिया आया कहाँ से? ये किसी से नहीं, मैं ये मेरे मन में आया कि मैं ऐसा करूँ क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ड्राइवर्स के बारे में चाहे कहीं का भी हो जो पब्लिक है उनके जो माइंड में बैठा हुआ है कि ड्राइवर ऐसा होता है उनके बाद में अच्छा नहीं सोचता। हाँ ड्राइवर के बारे में एक अलग इमेज है, इमेज हाँ, है तो एक नेगेटिव इमेज है, नेगेटिव इमेज है। हाँ जी तो मैं चाहता था कि उस नेगेटिव इमेज को भी ब्रेक करने के लिए अच्छा अच्छा इसलिए मैंने इस चीज को पहल किया था। वाह 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 बहुत अच्छा। और तो मतलब फिर ये जो सडनली मतलब आपका जो ऑटो के ऊपर ये आइडिया मतलब इसको थोड़ा डिफरेंटली करेंगे, अभी तो अभी लाखों ऑटो दिन में चलता है सिलीगुड़ी में सुकना यू नो इस एरिया में, तो उसमें से डिफरेंट आप ही का है तो आपने ये जो डिफरेंट जो मतलब ये आप किसी ने आपको बताया या फिर आपने खुद इसको इन्वेंट किया? देखिए मेरे मन में आया कि मैं ऐसा करूँ तो मैंने खुद ही किया है, ये किसी का नहीं। मन में कैसे आया मतलब कैसे ये थॉट आया कि आपके गाड़ी में जो क्या क्या है ये वगैरह वगैरह आपने काफ़ी फैसिलिटीज दिया हुआ है जी? सबसे पहले तो मेरे गाड़ी में क्या है कि आप चॉकलेट देखेंगे हाँ। उसके बाद बिस्लरी का छोटा सा बोतल रखा हुआ, अच्छा अच्छा पानी का डस्टबिन रखा हुआ, डिजिटल पेमेंट रखा हुआ। चॉकलेट वगैरह 1 रुपये का तो होता ही है, कोई इतना ज़्यादा चॉकलेट खाता नहीं। अगर 1 रुपये की वजह से किसी चेहरे पर मुस्कान आता है दिल को सुकून मिलता है, उससे अच्छा आपको रेस्पेक्ट भी मिलता है, थोड़ा सा पब्लिक के माइंड में थोड़ा सा उसका माइंड भी चेंज होता है, तो उससे मेरे को भी खुशी होती है अच्छा। और जो पैसेंजर्स है उनको भी खुशी मिलती है। और आप बिस्लेरी पानी भी रखते हो आप? जी जी मतलब पैसेंजर के लिए सपोज तो वो पानी का चार्ज नहीं, वो फ्री में, वो फ्री में सब कुछ, फ्री में सब कुछ। जैसे मान लीजिए चॉकलेट पानी, किसी को प्यास लगा या किसी को मेडिसिन लेना हो, क्योंकि हर एक कोई हर कोई तो अपने पास साथ लेके नहीं चलता, मार्केट में कभी भूल जाता है या घर से ले जाना भूल जाता है, इसलिए मैंने गाड़ी में रख दिया है कि किसी को प्यास लगेगा या फिर किसी को दवा खाना होगा, बिल्कुल इसीलिए रखा हुआ था। और ये आपने कुछ शायद कोटेशंस वगैरह है पेपर वगैरह कि जैसे मैं अभी संदीप पात्रा हुआ, बहुत सारे अभी तो मोटिवेशन आते हैं, उनका मोटिवेशन मैं देखता रहता हूँ। उससे क्या है कि मेरे हमारे जो पैसेंजर, सबसे पहले पैसेंजर गाड़ी है, हर एक तरह का पब्लिक चढ़ती रहती है, तो कम से कम उसमें बैठेगा तो उस चीज़ को पढ़ेगा तो थोड़ा बहुत उनको नॉलेज ज्ञान मिलेगा, मोटिवेट होगा, इसीलिए उस चीज़ को मैंने सोचा कि चलो कोटेशन भी रख देते हैं गाड़ी में, इसीलिए कोटेशन भी रखा हुआ है। और मतलब आपका फ्यूचर में और कुछ प्लान है आपका, मतलब कैसे क्या करना है? और सबसे पहले तो मैं क्या बोलते हैं, मेरा सोशल वर्क करने का बहुत दिल था, लेकिन सोशल वर्क करने के लिए भी तो इतना समय भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका इसमें सोशल वर्क भी हो जाएगा जी, जी, और अपना काम भी हो काम जाएगा, भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा आपका। ये अपने मन से सोचा था मैंने, बिल्कुल बिल्कुल उसी वजह से मैंने ये काम किया। आपका ये मतलब जो भी जो इंटेंशन से आप मतलब ये कर रहे हैं ना, आपका सोशल वर्क भी हो रहा है जी, आप जैसा चाह रहे थे सोशल वर्क भी करना, तो वो सोशल वर्क भी हो रहा है और थोड़ा मोड़ा आपका मतलब इसमें से थोड़ा सा अर्निंग भी हो रहा है। अर्निंग तो जरूरी है, फंडिंग भी तो जरूरी है, तो अर्निंग भी हो रहा है और सोशल वर्क भी हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा। और मतलब फ्यूचर में आपने जैसे बताया, फ्यूचर में आपका मतलब कि कुछ और कुछ करने का आपका कुछ प्लान है फ्यूचर में, मतलब लाइक और गाड़ी खरीदना और कुछ लेके उसको और फैसिलिटीज देना, गाड़ी में किताब, मैंने कहीं भी कोई स्टेट में मैंने देखा गाड़ी में किताब भी रखा है। तमिलनाडु में मैंने भी पढ़ा था, फेसबुक में पढ़ा था उस चीज को, वाईफाई वाईफाई हाँ ये सब इस टाइप का। तो मैं सोचता हूँ कि
क्योंकि सुकना से लेकर कोटपुर का जो ड्यूरेशन है इतना ओ, आपका, तो है नहीं। हाँ, आपका जो रूट है वो सुकना से लेके आपका कोटमोर तक सात डिस्टेंस से, तो बुक से ज्यादा तो मेरे को कोटेशन ही अच्छा लगा। हाँ हाँ हाँ, बुक्स तो ज्यादा वो हो जाता है, मतलब लंबा टूर में होने लेके लंबा सफर। जी जी जी, अच्छा है। तो कोटेशन ही सबसे कोटेशन बढ़िया बेस्ट लगा। वो कोटेशन एक ही कोटेशन रखते हो फिर आप चेंज भी करते हो? जैसे मैं चेंज करता रहता हूँ इसको कोटेशन, ये मेरा कोटेशन नहीं है। नहीं मैं समझ गया, नहीं समझ गया। हाँ लेकिन आप बड़े लोग, हाँ वो कोटेशन आप दिखा तो रहे हो ना आपकी गाड़ी में, वही सबसे बड़ा बात है। और ये बहुत ही अच्छा, मतलब मैं भी हमारे व्यूअर को बोलना चाहता हूँ कि ड्राइवर लोगों को जो हम लोग जिस नज़र से देखते हैं हम लोग ड्राइवर लोगों को, तो वो चीज़ को, वो इमेज को आपने बिल्कुल एक पलट के रख दिया वो इमेज को। अभी हर आदमी, मैं व्यूअर को बोलना चाहता हूँ हमारे व्यूअर को कि हर आदमी अभी जो उनका जो अभी जो कर रहे हैं वो अभी इन्होंने जो बताया, तो वो देखने के बाद में हर ड्राइवर, मतलब हर आदमी ड्राइवर को उस नज़र से, ड्राइवर का नज़र से कभी भी नहीं देखेगा। जी मुझे आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि हमारे एक सोशल मैसेज दे रहे हैं आप सोसाइटी को कि ये है, अगर ऐसा करने से ड्राइवर लोग का भी जो इमेज है वो बदल सकता है। जी लेकिन आपका आपका जो इंटेंशन है वो बहुत ही अच्छा है, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया हम लोगों को समय दिया। थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी ड्राइवर्स हैं, चाहे ड्राइवर्स हो चाहे कोई भी बिजनेस, अगर आप मतलब जैसे 100 रुपये कमाते हो तो 10 रुपये किसी के लिए खर्च करने में कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उससे आपका प्यार ही मिलेगा। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। तो मैं सभी ड्राइवर्स या कोई भी बिजनेसमैन को यही बोलना चाहता हूँ कि एक दूसरे का आदर करें, और जैसे ड्राइवर्स, विशेषकर ड्राइवर्स के लिए ही था कि जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग भी करें, इसमें इतना खर्चा नहीं है जो सोचते हैं। वैसे आपका दिन में 30 या 40 रुपये खर्च होता है, और मान लीजिए जो पानी का बोतल रखा है उस पानी के बोतल में इतना खर्चा नहीं आता, जैसे ये कार्टून खरीद लिया उसमें 40 बोतल है, 6 रुपये का कॉस्ट आता है। तो हर लोग तो पानी पीता नहीं, नहीं हो सकता है डेली एक बोतल भी जाए ना भी जाए, बिल्कुल कम से कम मैंने 1 महीना 1.5 महीना चलता है। तो सभी ड्राइवर्स को मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को वो भी इस चीज़ को या इस काम को वो भी करें, तो इसमें मेरे को बहुत 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 खुशी होगी। और मैं आपका और आप जितने भी मीडिया वाले हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ कि मेरे काम को इंस्पायर होके जो लोगों तक पहुँचाया। और व्यूअर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद या हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, दो हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूँ कि जो मेरे को इतना प्यार दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, जो हमारा ये सुकना और सालबाड़ी का जो रास्ता है, इस एरिया में बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज़मीन का जो हम लोगों को टुकड़ा दीजिए, ताकि हम उस साइड में राइट साइड में एक मंदिर बनाएं, ताकि वहाँ बार बार इतना एक्सीडेंट होता है, बहुत लोगों का उधर जान जा चुका है, आपने तो सुना होगा कई बार। अभी फिलहाल पिछले एक हफ्ते पहले भी एक्सीडेंट हुआ था ऑटो का, तो मैं चाहता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे, ताकि हम लोग और जितने भी सुकना वासी, सिलगुड़ी वासी, सालवाड़ी वासी सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, अगर आप लोग 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये जितना भी आप लोग चंदा देना चाहते हैं एक मंदिर के लिए, वहाँ अपना मोरगाँव और सालवाड़ी के बीच में एक मंदिर बने, तो ताकि किसी का जान बच सके, क्योंकि आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट होता रहता है। ओके, वहीं पर एक्सीडेंट होता है क्या? वहीं पर एक्सीडेंट, आप जाते हैं रास्ते पे देखेंगे राइट साइड, जी बिल्कुल, हाँ जी भी होगा, ज़्यादातर एक्सीडेंट वहीं पर होता है। तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि हम लोग वहाँ मंदिर बनाने के लिए परमिशन दें, और इस काम के लिए जितना हो सके पब्लिक आगे आए और मंदिर के लिए कुछ सहयोग करें। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, और आप ऐसे काम करते रहिए, और ये एक सोशल मैसेज जो है सोसाइटी को जो आप दे रहे हैं
वो ऐसा ही आप देते रहिए ताकि दूसरे लोग भी सीखे आपको देख के। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।